स्टूडेंट सर, जो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इटली की इस यूनिवर्सिटी में आप किस तरह एडमिशन ले सकते हैं। ये इटली की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, पॉलिटेक्निको डी टोरिनो। इसके अंदर आप सबसे पहले मैं उसकी रैंकिंग दिखा देता हूँ। ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में आती है। अगर आप इसकी रैंकिंग को चेक करें तो ये 252 QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आती है। उसकी फिफ्थ रैंक है इटली के अंदर। अब आपको इसमें एडमिशन लेने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी ऑफ इटली की वेबसाइट को ओपन करें, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे जाएं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में जाने के बाद यहाँ आपने, अगर आपने बैचलर में लेना है तो आप बैचलर के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे कि आप बैचलर के ऊपर क्लिक करेंगे कि ओपन हो जाएगी। इसमें आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर लें। ये जितने भी इंग्लिश प्रोग्राम हैं इसकी लिस्ट दिखा रहा है। ये सेक फर्स्ट लेवल फर्स्ट ईयर्स के अंदर ये जो आपको पढ़ाए जाएंगे ये ऑफ़र ये होंगे। बाद सेकेंड ईयर होगा वो इंग्लिश के अंदर होगा, लेकिन ये टोटली इंग्लिश के अंदर होंगे। ये इंग्लिश के अंदर नहीं होगा, ये दो टोटली इंग्लिश के अंदर होंगे बैचलर लेवल के अंदर। ये आप इसकी लिस्ट चेक कर लें। अब आपको एडमिशन इसी तरह, अब आप मास्टर में चले जाएँ मास्टर लेवल पे, तो ये इसके इंग्लिश के अंदर मास्टर लेवल की हैं। ये सारे इसके मास्टर लेवल के प्रोग्राम हैं जितने भी हैं। ये टोटली इंग्लिश में है, ये भी टोटली इंग्लिश के अंदर है। आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं, टोटल आप इनको देख सकते हैं किस तरह है। मैं आपको कंप्लीट इसके अंदर बताऊंगा कि किस तरह इसका प्रोसीजर होता है। अभी जैसे अब एडमिशन लेना है, इसके अंदर आप अप्लाई के अंदर जाएं। जैसे ये लिंक ओपन हो गया, इसमें आप देख सकते हैं कि इनका इनरोलमेंट का तरीका क्या है। अगर आप बैचलर के ऊपर जाएं तो बैचलर में आपको बता रहा है कि नॉन यूरोपियंस के लिए क्या तरीका है। नॉन यूरोपियंस के ऊपर जाएं तो आपको ये बता रहा है कि कॉल फॉर एडमिशन, कॉल फॉर एप्लीकेशन। कॉल फॉर एप्लीकेशन के ऊपर ये आपको लिस्ट भी बता रहा है कि जिनका इन्होंने पहले, इसलिए कि इसके अंदर बैचलर के अंदर आपने लाजमी आपने पहले एडमिशन टेस्ट देना है। एडमिशन टेस्ट देने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपने एडमिशन टेस्ट जो है वो आपका सारा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन वो आपने इसके अंदर फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद आपको ये डेट देंगे और आपने उस डेट को आपने ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करके आपने उस दिन अपना टेस्ट देना है। और आपको फिर ये रिज़ल्ट, जैसे ये इन्होंने एकेडमिक ईयर्स बताए हुए हैं, ये जो पिछले इनके हैं, इन्होंने एक लिस्ट भी दी हुई है जो जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पे पीछे एडमिशन लिया उनको उन्होंने दाखिला, किन स्टूडेंट्स को इन्होंने दाखिला दिया। जैसे आपको दिखा सकता हूँ, ये लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग्स जिस पर बैचलर लेवल के हैं, ये देखें, ये इन्होंने लिस्ट दे दी है। बहुत लंबी सी लंबी लिस्ट है, ये सारी बहुत लंबी लिस्ट है जिन 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 लोगों जिन स्टूडेंट्स की इन्होंने एडमिशन दिया है उनसे टेस्ट लेने के बाद। इसके अंदर आपको टेस्ट देना लाजमी है बैचलर लेवल के ऊपर। अभी हम चले जाते हैं मास्टर पे। मैंने यहाँ से लिंक से डाउनलोड किया, ये मास्टर का है 2024-25। अभी इसके एडमिशन ओपन नहीं हुए। यहाँ पे ये तरीका बता रहे हैं कैसे है, इसको सारे को आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। जब मैं इसको अब यहाँ से भी वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये इनका इंग्लिश यहाँ पे लाजमी नहीं है। अब आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये आप देख लें, फर्स्ट कॉल दिसंबर टू फरवरी है, सेकंड कॉल मार्च टू अप्रैल है। ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन आपने करना है। उसके बाद उन्होंने इसका प्रोसीजर दिया हुआ है नीचे। आपने सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर अटैच डॉक्यूमेंट करने हैं, सबमिट विद इन डेडलाइन करने हैं, वेट फॉर एकेडमिक एवेल्यूएशन। फिर उसके बाद प्री इनरोलमेंट जो आप जितनी भी टेली यूनिवर्सिटी है उसमें आपने प्री इनरोलमेंट करनी होती है। फिर उसके बाद आपने, जैसे आप प्री इनरोलमेंट कर देते हैं,
आप फिर बाद में वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्लाई करने के बाद इटली पहुंच के या फिर बाद में अपनी इनरोलमेंट असल एक्चुअल इनरोलमेंट करते हैं। ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर होता है। ये सारा प्रोसीजर सेम ही बैचलर का भी होगा दोस्तों। उससे पहले आपने सबसे पहले जो अप्लाई करना है, आपने टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप टेस्ट आपका ओके हो जाएगा, आपने अटैच करके डॉक्यूमेंट टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आपका टेस्ट ओके हो जाएगा, फिर आपने अपने वेट करना है एडमिशन टेस्ट, एडमिशन के रिज़ल्ट का। जैसे ही आपको एडमिशन का रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, फिर आपने प्री इनरोलमेंट करेंगे। प्री इनरोलमेंट के बाद आपका एडमिशन वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप फिर आप वहाँ जाके इटली के अंदर अपने आप को इनरोल कर लेंगे। ये इनका तरीकाकार है, पूरा बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं या मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें। मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसीजर और बेहतर तरीके से गाइड कर दूँगा। और आप अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एडमिशन अप्लाई करूं तो वो भी कर सकता हूं। तो ऑलरेडी मैं यहां पे स्टडी कर चुका हूं, इसलिए मुझे आइडिया है कि ये यहां पे इन्होंने लिस्ट दी हुई है कि किन कंट्रीज़ के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट नहीं है। मसलन कि जिन कंट्रीज़ को ये कंसिडर करते हैं कि उनकी बैचलर की डिग्री इंग्लिश के अंदर है, या जो इंग्लिश के अंदर स्टडी है उनकी प्रीवियस, इस कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं एशिया के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को भी दिया हुआ है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। तो इसका मतलब आपको टोफल आइलेट्स लाजमी नहीं है। अभी हम चले जाते हैं बैक। आपको मैं इसके मास्टर प्रोग्राम्स दिखा देता हूँ। मास्टर प्रोग्राम में आप जाएँ तो आप इसकी भी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको डिटेल इंग्लिश की दे देगा। ये सारे इनके इंग्लिश के प्रोग्राम हैं। ये आप देख लें, ये जो टोटली हैं ये टोटली इंग्लिश के अंदर है। अर्बन एंड ये अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, बाकी भी आप देख सकते हैं जो पार्शली इंग्लिश के अंदर हैं। तो जिसके अंदर भी आपने दाखिला लेना है आप ले सकते हैं। अभी अगर आप इसमें से फ़र्ज़ किया आप अप्लाई ऊपर जाएँ, अप्लाई करें आप, जैसे ही आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक किया, आप किस में लेना चाह, फर्स्ट किया मास्टर में लेना चाह रहे हैं, ये सिर्फ आपके एवेल्यूएशन के ऊपर आपको एडमिशन देंगे। आप इसमें अंदर कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई टोफल आइलेट्स नहीं होगा, बैचलर या मास्टर। जैसे ये इन्होंने नॉन इटालियंस क्वालिफिकेशन, इसके आने के बाद जैसे आप यहाँ पे चेक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आप आ जाएँ नीचे 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 नीचे, यहाँ पे आप चेक कर लें। ये देखें, ये इन्होंने लिस्ट दी हुई है। ये यही मैं आपको पहले भी ये जो लिस्ट दिखाई है, ये देखें इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान दिया हुआ है जिनके लिए टोफल आइलेट्स मस्ट नहीं है। तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे फ्रांस में टोफल आइलेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्वीडन में नहीं होती, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नहीं होती। जैसे फिनलैंड में भी चंद हैं जहाँ पर नहीं होती। आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट इसका क्या प्रोसीजर है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।